आज हम यौन संबंधित प्रॉब्लम से रिलेटेड चर्चा करेंगे। यौन संबंधित प्रॉब्लम, जैसा कि आप सबको पता है कि ये हम में से ज़्यादातर लोगों को होती है, बट हम अपनी शर्म के कारण इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाते। जस्ट ड्यू टू हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली हमको नहीं समझेगी, दोस्त हमको नहीं समझेंगे। बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट हम ये चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमारे समाज में एक टैबू की तरह भी देखा जाता है, और आप लोग इस चीज़ से बात करने में भी डरते हैं। सो नमस्कार, मेरा नाम खुशी सैनी है, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाली यौन संबंधित प्रॉब्लम के बारे में, एंड इससे रिलेटेड मैं वीडियो एक ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो ये उसका ही एक सेकेंड पार्ट है। एंड तो आज हम बात करेंगे यौन रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पुरुषों में। यौन रिलेटेड समस्या पुरुषों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आजकल ये ज़्यादातर पुरुषों में पाई जाती है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारा बेड एनवायरमेंट है, खाना पीना है, और लैक ऑफ स्लीप है, सोना कम है, न्यूट्रिशनल चीज़ ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं, और एक्सरसाइजेस ना कर पाना, टेंस रहना, ये सारी मेन इश्यूज इसके हो सकते हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें हमने ही कैप्सूल से रिलेटेड डिस्कशन भी किया था, तो ये उसका ही सेकेंड पार्ट है। सो आपको पता ही होगा कि यौन संबंधित प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है शीघ्र पतन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुएशन। इसमें एक पर्सन जब बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर जाता है और उसका बहुत टाइम तक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती और ना बैड परफॉर्मेंस, उसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं, जिसमें एक पर्सन बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देता है और उसको कंट्रोल नहीं हो पाता। ये भी एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है। सेकेंड है हमारा स्टैमिना, स्टैमिना वीक होना, उतने अच्छे से बेड टाइम परफॉर्म ना कर पाना। किसी भी एक फीमेल को 40 मिनट्स की सेक्स की नीड होती ही होती है, बट अगर आप इससे कम टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, 30-40 मिनट्स किसी भी फीमेल को चाहिए, बट अगर आप इससे कम टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है, एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है। और वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ नहीं बताई पाएंगी, क्योंकि फीमेल ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हैं, तो वो अपने पार्टनर को ये चीज़ नहीं बता पाएंगी कि शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ खुद ही देखनी पड़ेंगी कि आपका स्कोर क्या है, आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है। टाइम ड्यूरेशन कम होना भी सेक्सुअल डिसऑर्डर में आता है। सेकेंड है आपको स्वप्न दोष होना, जिसमें हम नाइटफॉल के नाम से जानते हैं, जिसमें रात के टाइम सोते टाइम आपको डिस्चार्ज या फिर फॉल हो जाता है। इसके अलावा पुरुष बांझपन भी हम जानते हैं, जिसमें हम एक बेबी प्लान करते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के शुक्राणुओं के निष्क्रिय होने के कारण बेबी नहीं हो। लोग चिंता मत करिए, आप बिल्कुल राइट जगह पे आए अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है। सो जे डी ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड ब्लिस वेदा से लेके आए हैं आप लोगों के लिए हर्बो टर्बो पावर स्पेशली फॉर मेंस के लिए। तो ये टॉनिक होने वाला है, जो कि आपको एनर्जी प्रदान करने वाला है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं भी है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पूरे टाइम ऑफिस के लिए एनर्जी देने वाला है, आपको भागने की, आपको दौड़ने की, वर्क परफॉर्म करने की। इसको कंज्यूम करने से आप पूरे टाइम और ना बेड टाइम तक आप इसको एनर्जेटिक रह सकते हैं। साथ के साथ आपके ब्रेन फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आपका ब्रेन अच्छे से काम कर पाए। आपको स्ट्रॉन्ग देता है, स्टैमिना प्रदान करता है, ताकि आप अपने बेड टाइम पर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुएशन, शीघ्र पतन जैसी प्रॉब्लम ना के बराबर होती है। साथ के साथ पुरुष बांझपन, मेल इनफर्टिलिटी, जिसमें एक पुरुष के शुक्राणु वीक हो जाते हैं, उसको ये स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करता है, ताकि आप एक नई लाइफ अपनी शुरू कर सकें एक बेबी प्लान करके। इसके अलावा अगर आपको स्टैमिना चाहिए, एनर्जी चाहिए, पर पूरा एनर्जेटिक रहना है, तो ये भी आपको मदद कर सकता है। अच्छी नींद के लिए भी ये आपको सपोर्ट करेगा, ताकि आप एक बहुत प्यारी नींद ले सके रात में। तो प्रोडक्ट एक बेनिफिट्स अनेक वाली बात है। इस जूस को कॉम्बो के साथ ले सकते हैं, जिसमें आप ही स्ट्रॉन्ग कैप्सूल प्लस ये हर्बो टर्बो जूस यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा मैजिकल आए हैं। अभी तक जिन भी लोगों ने इसको यूज़ किया है, बहुत प्यारे रिजल्ट्स आए हैं। तो आप भी इन दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये 30 ml लेना है विद द ही स्ट्रॉन्ग कैप्सूल्स के साथ, आपको आपके खाना खाने के बाद। तो आप इसको बेड टाइम पर जाने के बाद लेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करेगा आप लोगों के लिए। सो आई होप आप इसको यूज़ करेंगे कॉम्बो को, और हर्बो टर्बो जूस आप यूज़ करेंगे साथ के साथ।
साथ आप यही स्ट्रॉन्ग कैप्सूल भी यूज़ करेंगे ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो चुटकियों में ठीक हो जाए। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।